अगर मान लो हमारे पास पॉइंट मास की जगह क्या है, बॉडी, और मान लो ये बॉडी है और वो कह रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको पॉइंट मासेस में काट दो? अब ये कहोगे ये हो जाएगा डीएम वन, इसका रेडियस हो जाएगा आर वन, तो इसका हो जाएगा डीएम वन आर वन स्क्वायर, इसका हो जाएगा डीएम टू, ये हो जाएगा आर टू, इसका हो जाएगा डीएम टू आर टू स्क्वायर, इसका हो जाएगा डीएम थ्री आर थ्री स्क्वायर, डीएम फोर आर फोर स्क्वायर, डीएम फाइव आर फाइव स्क्वायर. तो दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ डीएम इंटू उसका आर स्क्वायर. सो दिस इज टेक्निकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर. एंड इंटीग्रेट करते हुए तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि पूरी बॉडी पे हर पॉइंट मास के लिए कवर हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये एक रॉड है. कैसी रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है. उसको अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, बेटा इस एक्सिस को अगर कोई थ्योरेटिकली लिखेगा तो कैसे लिखेगा? थ्योरेटिकल इन द सेंस की मतलब मैंने तो डायग्राम बना के दे दिया, दिस इज पासिंग थ्रू वन एंड, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. अब हम ये कह सकते हैं पहला स्टेप क्या होगा इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का. पहला स्टेप तो ये होगा कि इसको छोटे छोटे पॉइंट मासेस में काट दो. फिर ये कहो कि एक्स डिस्टेंस पे एक छोटी सी लेंथ ले ले dx. ये जो छोटा सा पॉइंट मास है इसको लिख दें dm. क्या मैं ये कह सकता हूं इस छोटे से पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर. हाँ, क्योंकि इसका रेडियस तो एक्स ही आएगा ना. अब dm को क्या लिख सकते हो? dm को क्या लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू में छोटी सी लेंथ. दैट मेक्स सेंस. मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल इंटू छोटी सी लेंथ dx. तो इसको लिख दो m बाई एल इंटू dx इंटू x स्क्वायर. ये छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस छोटे से पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट. इसी का लेना है तुम्हें समेशन. तो इंटीग्रेशन ले लिया. x की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए? जीरो से l. क्यों? क्योंकि यहां पर जब ये वाला पॉइंट मास लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? जीरो. फिर ये वाला पॉइंट मास लोगे तो x की वैल्यू ये हो जाएगी और ये वाला लोगे तो x की वैल्यू ये हो जाएगी. तो कितना हो जाना चाहिए? जीरो से l. x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? x क्यूब बाय 3. तो ये हो जाएगा m m बाय l इनटू x क्यूब बाय 3 जीरो से l. दिस विल बिकम m l क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 अपॉन l. तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3. दैट्स योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. अब जैसे सपोज करो अनदर क्वेश्चन ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? नाउ दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रॉड. दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रॉड. जैसे इसके अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा. अब तुम सोचो, मान लो ये कहता कि ओमेगा से घुमा दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर. दैट विल बी हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर. तो बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस में अगर मैं लगाऊं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, तो दैट मेक सेंस. इसका मतलब तुम्हें ये एम एल स्क्वायर बाय 3 याद होना चाहिए. अगर हमने कहा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, और इस एक्सिस के अबाउट घुमा दे, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दे, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है?
ml square by 12 आता है वैसे इसका क्या आता है ml square by 12 रटना भी है और निकालना भी आना चाहिए तो कैसे derive करेंगे हम कहेंगे छोटे-छोटे point masses में काट दो इधर देखते जाओ ऐसे काट दिया एक काम करते हैं x यहीं से ले लो axis से ये छोटा सा element ले लो dx इसका मास तो लिखो दोबारा सोचो उसको मत देखो कोशिश करो दोबारा सोचो जितनी बार सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा सोचने का तो dm कितना हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx अब दोबारा लिखोगे छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m / l dx इनटू x स्क्वायर इसका करना है तुम्हें समेशन इसका तुम्हें करना है समेशन और पूरी रॉड कवर होनी चाहिए अब सोचो जरा ध्यान से ये x लिया है बेटा ये x लिया है लिमिट सोचेंगे मैंने कहा ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये x का रोल प्ले करेगा ये एलिमेंट लोगे तो ये x का रोल प्ले करेगा ये एलिमेंट लोगे तो ये x का रोल प्ले करेगा ये एलिमेंट लोगे तो ये x का रोल प्ले करेगा क्या मैं कह सकता हूं माइनस l / 2 से प्लस l / 2 तक लिमिट आनी चाहिए अब इसको तुम खुद से इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा वो तो हमें पता है m / l x क्यूब / 3 दैट इज l / 2 का क्यूब माइनस ऑफ माइनस l / 2 का क्यूब / 3 ये कितना आ गया ml स्क्वायर ये आ जाएगा 1 / 8 प्लस 1 / 8 इनटू 1 / 3 तो ये आ गया ml स्क्वायर / 12 ये दोनों रिजल्ट रटनी है एक तो ml स्क्वायर / 3 वाला एक ml स्क्वायर / 12 वाला अब ये अगला वाला बता रहा हूं ये याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे कि मान लो मैंने कहा ये एक्सिस कहां से जा रही है इधर से l / 4 पे जा रही है ये फिर 3 l / 4 हो जाएगा ना और मास m है और लेंथ l है और इसके अबाउट घुमा दिया ओके हां बोलो क्या बोल रहे थे किसी और के अबाउट याद करने की जरूरत नहीं है हां फिर लिमिट सब सोचना ना कैसे करेंगे कि भाई इसके अबाउट निकालना है तो पहला स्टेप तो क्या है छोटे-छोटे पार्ट्स में काट दिया यहां से x ले लिया फिर ये छोटा सा dx ले लिया ये छोटा सा मास dm ले लिया dm को मैं लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx और फिर छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया कितना हो जाएगा dm हो जाएगा m / l dx इनटू x स्क्वायर क्योंकि x मैंने सीधा एक्सिस से लिया है डिस्टेंस इसका समेशन करूंगा क्या मैं कह सकता हूं x की वैल्यू -l/4 से प्लस 3l/4 होगी और ये बन जाएगा m / l 3l/4 का क्यूब माइनस ऑफ -l/4 का क्यूब तुमने ध्यान नहीं दिया ना निपट जाओगे यहां पर क्योंकि -l/4 लिखोगे क्योंकि जब -l/4 लिखोगे यहां पर माइनस माइनस प्लस होएगा अपॉन 3 अब ये रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है आएगा तो डिराइव कर लेंगे वैसे कुछ और तरीका भी होगा लेकिन आएगा तो वैसे डिराइव कर लेंगे यहां तक का समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उन्होंने कह दिया कि भाई ये रॉड थी ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड थी अब इसका तो नहीं रटा हुआ हमने इसने कह दिया x डिस्टेंस पे लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x कैसा दे दिया a plus bx अब यहां पे कह दिया भाई छोटा सा एलिमेंट काट देना तो यहां पे छोटा सा मास हो जाएगा dm dm को क्या लिख सकते हो लैम्डा एट x इनटू छोटी सी लेंथ दैट इज dx इसको लिख दो dm लैम्डा को छोटे से एलिमेंट के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं जो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है तो हम ये कह सकते हैं छोटा सा मास प्लस bx इनटू dx और फिर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा दैट विल बी a plus bx into dx into x square लेंथ l दिया हुआ था तो हम कहेंगे 0 से l इसका इंटीग्रेट तो करना है बस तो ये आ जाएगा a l cube by 3
प्लस बी एल फोर बाई फोर, दैट्स योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. अब समझ गए डेरिवेशन क्यों जरूरी है. ओके इसी बात पे अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें कि मान लो रॉड है, और ये एक्सिस है, ये बाइसेक्टर तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है. और चलो ये यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास एम है और इसका लेंथ एल है. इसके अबाउट ये कैसे घूमेगा, ये कुछ ऐसे घूमेगा ना, फील आ रही है मतलब मस्त तरीके से. अभी जब तो एग्जांपल दिया तो वही हो गया कि भाई ये रॉड ऐसे घूमेगी. हाँ या ना, ट्राई करो ट्राई करो गाइज. ऐसे सोचो ना, यहां से x डिस्टेंस पे तुमने dx काट लिया. अब ये बताओ जो ये dm मास है ये इस रेडियस पे चक्कर काटेगा ना, दैट इज x sin थीटा. नहीं समझे तो बता दो भाई. रॉड ऐसे थी, रॉड ऐसे थी, अब तुम और तुम्हारी एक्सिस ऐसे थी, तुमने ऐसे काट दिया इसे, तुमने ऐसे काट दिया आदत बन डालो कि ऐसे काट दिया. अब हमने कहा यहां से x ले लो, यहां से x ले लिया तो फिर ये dx हो गया. अब ये मास हो गया dm, ये हो जाएगा m by l dx. अब ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ये पॉइंट मास, तो इस पॉइंट मास को का जिस सर्कल में जाएगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो उसका रेडियस x sin थीटा होगा. अब छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di, इस dm तो हो गया m by l dx और रेडियस का रोल प्ले कर रहा है x sin थीटा, उसका स्क्वायर का समेशन, एंड x शुड गो फ्रॉम माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू. भाई तुम बताओ ना कि तुमने लिमिट गलत क्यों सोची. तुमने इसको x माना है ना, तो जब ये पॉइंट मास मानोगे तो x की वैल्यू तो ये होगी ना, तो दैट इज माइनस एल बाय टू. और जब ये वाला मानोगे तो x की वैल्यू ये होगी ना, दैट विल बी प्लस एल बाय टू. हाँ या ना, कितना आ रहा है, किसको इंटीग्रेट कर दिया भैया, साइन थीटा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. ओए बच्चे क्या कर रहे हैं, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर आ गया. इंटीग्रल किसका बना, एक्स स्क्वायर डी एक्स का. ये हो जाएगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू. ये कितना बनेगा, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा एल बाई टू का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एल बाई टू का क्यूब अपॉन थ्री. ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा. सो व्हाट लक्ष्य हैज इफेक्टिवली डन इज अर्नड यू गाइज अनदर क्वेश्चन बाय हिज ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस. ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये थीटा है, ये मास एम है, ये लेंथ एल है और इसके अबाउट घुमा दिया. निकालो. हाँ नहीं तो ऐसे मत करो ना, जो तुम सोचो पूरा इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा ना, कोई ट्रिक थोड़ी है यहां पर कि भाई तुमने एक्स पे डी एक्स काटा तो यहां पे हो जाएगा एक्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा m by l dx into x sin theta का स्क्वायर का इंटीग्रल x goes from 0 से l, तो ये बन जाएगा ml square by 3 sin square theta. ये भी तो समझ में आ रहा होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, ये एक्सिस थी और ये ऐसे रॉड थी, यहां पे हिंज कर दी
और ओमेगा से घुमा दिया, तुम रियलाइज कर रहे हो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम एल स्क्वायर बाय थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट हो गया नहीं हो गया? वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई नो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस।